स्वागतम। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर इंडियन एनिमे फैंस एंड इट्स ऑल अबाउट डीमन स्लेयर। हम लोगों को पता है आज से एक महीने पहले डीमन स्लेयर सीजन 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का ट्रेलर आया था। सॉरी, इसको हम लोग ट्रेलर नहीं बोल सकते बिकॉज इट वॉज बेसिकली एन अनाउंसमेंट कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क जो है वो एक मूवी में लाने वाला है वो लोग। मतलब 140 डिफरेंट कंट्रीज में ये लोग प्रीमियर करने वाले जो हमेशा वो लोग करते हुए आ रहा है। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, पैसा ही पैसा होगा। हम लोग तो ऑलरेडी पता है 140 कंट्रीज में से इंडिया ऑफकोर्स होने वाली है, बट हम लोगों को रिलीज डेट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। बट आज फाइनली हमारे सामने डीमन स्लेयर सीजन 4 हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का रिलीज डेट आ चुका है, प्रीमियर का रिलीज डेट। डोंट गेट मी रॉन्ग एंड इट्स कमिंग ऑन 23rd February। बुक माई शो पे इस मूवी को ऑलरेडी लिस्टेड कर दिया गया है। मेरे को पता है बहुत ज्यादा सडन है, बट इट इज व्हाट इट इज। अकॉर्डिंग टू बुक माई शो ये मूवी इंडिया में आ रही है 23rd February को, जो ऑलरेडी बता दिया गया अपने ऑफिशियल वेबसाइट में उन लोगों ने डाल दिया। तो इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, हम लोग बस 40 दिन के अंदर देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 प्रीमियर। चलो भाई, अभी तो गुड न्यूज दे, आज तो ठोकना पड़ेगा लाइक बटन, चल पड़ना तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग के अंदर ना मिक्स्ड फीलिंग्स है इस रिलीज डेट को लेकर, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे एग्जाम्स हमारे बोर्ड्स चल रहे हैं तो इस साइड से ये थोड़ा बहुत यू नो प्रॉब्लमेटिक होने वाली लोग के लिए। तो मेरे को तो पता नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ ठीक है, बट जिन लोगों के बोर्ड्स वगैरह एग्जाम्स वगैरह इस टाइम पे है उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे को लगा था कि एग्जाम्स के बाद आएंगे बट नहीं, उन लोगों ने डिसाइड किया उससे पहले लाएंगे बिकॉज ये डीमन स्लेयर सीजन स्प्रिंग में आ रही है। स्प्रिंग का मतलब तुम लोगों को पता है फरवरी मार्च अप्रैल, तो ज्यादा लेट अगर थिएटर में लाएंगे तो एक्चुअल एपिसोड्स आ जाएंगे। तो उन लोगों ने इसलिए डिसाइड किया कि वो फरवरी में लाएंगे, एक्चुअल एपिसोड आने के बहुत टाइम पहले तुम लोग थिएटर में एंजॉय कर पाओ, नहीं तो यार कौन ही जाएगा देखने। तो इस साइड से वो लोग अपनी जगह ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग बता सकते हो इस रिलीज डेट से कौन कौन सेटिस्फाई हो या फिर नहीं हो। बाकी आई होप तुम लोगों को पता है डीमन स्लेयर प्रीमियर में हम लोग क्या कंटेंट देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रीवियस सीजन का लास्ट एपिसोड है जो एक घंटे का एपिसोड 11, जहां पर फाइनली थानजीरो ने हंटेंगू को मार दिया था एंड हम लोग को पता चला नेज़ुको इज इम्यून टू सन, उसको सनलाइट में कुछ नहीं होती है। तो 50 मिनट का वो एपिसोड तुम लोग थिएटर में एंजॉय करने वाले हो। प्लस जो नया सीजन है सीजन 4 उसका जो फर्स्ट वाला एपिसोड है वो एक घंटे का होने वाला है, हम लोगों के सामने अनाउंसमेंट आ गई, जहां पर बेसिकली हम लोग सारे के सारे हाशिरास को एक साथ देखने वाले एक ही फ्रेम में और हाशिरा के बीच में इंटरेक्शन। प्लस जिनेसो को बहुत टाइम बाद तुम लोग स्क्रीन पे देखने वाले बिकॉज सीजन 3 में तो वो था ही नहीं। तो जिनेसो इनेसो के थानजीरो और उनके लेवल के जितने बंदे सारे के सारे मिलकर ट्रेनिंग करने वाले हैं। हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट हाशिरास है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स कराने वाले उन लोगों को, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पूरे सीजन में देखने वाले क्यों सीजन का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। बाकी यहाँ पर कुल मिला के हम लोग लेंथ की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबली हम लोग देखने वाले 100 मिनट्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 घंटे 40 मिनट अराउंड कुछ। फर्स्ट हाफ वो लोग एपिसोड 11 से कवर करेंगे एंड सेकंड हाफ वो लोग कवर करेंगे न्यू एपिसोड से जो 1 घंटे का ऑफ कोर्स। बाकी तो जापान के अंदर ये प्रीमियर होने वाली है बस 20 दिन के अंदर, क्यों ना वहां पर रिलीज डेट मेंशन है। टोक्यो में ये 2 तारीख को आने वाली है। और हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखो, डोंट सेट योर एक्सपेक्टेशन टू हाई। हम लोगों को पता है पहले हम लोग रिकैप ही देखने वाले प्रीवियस सीजन में जो देखा था, बट प्रीवियस सीजन में हम लोगों ने डीमन्स की मीटिंग्स देखे, अपर मून मीटिंग जहां पर सारे के सारे डीमन्स एक साथ थे। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इस बार पहले 1 घंटा तुम लोग रिकैप देखोगे उसके बाद बस हाशिरा को देखोगे एंड दैट्स इट। तो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा कि ये मूवी देखने जाओगे कि भाई बहुत सारे फाइट्स रहेंगे, हाशिरास एक्शन में रहेंगे या फिर तानजीरो ज़ेनित्सु या फिर इनोसुके एक्शन में रहेंगे, तो भाई तुम लोग डिसअपॉइंट हो जाओगे क्योंकि हाशिरा ट्रेनिंग के शुरू में वैसा कुछ एक्शन पैक तुम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तुम लोग बस हाशिरास को एक साथ देखोगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हुए आफ्टर लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम, और अभी तक हम लोगों ने शायद अच्छे से उन लोगों को बातचीत करते हुए देखा भी नहीं, जो एक्चुअली में थिएटर में देखने में तुम लोगों को बहुत बढ़िया लगने वाला है। प्लस हाशिरा के बीच में वो छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स होता है, नेज़ुको को सनलाइट में देखना। लास्ट सीजन खत्म होने के बाद हम लोगों को पता है सीजन में थोड़ा बहुत रिकवरी प्रोसेस हम लोगों को दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को पता है तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि डीमन स्लेयर वाले ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज हम लोगों को पैसा चाहिए, स्क्रीनिंग करेंगे तो पैसे आएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग वहां पर देखने जाते हैं। बढ़िया एनिमेशन डीमन स्लेयर में सबसे ज्यादा देखने लायक यही है, बाकी वर्थ मनी है या नहीं ये तुम लोग तो देखने के बाद ही बता सकते हो। तो यार ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा के मत जाओ, ठीक है। और यहाँ पर प्रीवियर ने ऑफिशियली अभी तक कुछ बताया नहीं, बट बुक माई शो पे बता दिया गया तो प्रीवियर भी बता देंगे। बट यहाँ पर इंडियन रिलीज डेट के साथ ना कभी कभार होता है कि एक रिलीज डेट देने के बाद ना उसको चेंज करके 2-3 दिन पीछे कर देता है, ऐसा होने का चांस तो नहीं, बट बाय एनी चांस अगर हो जाए तो मेरे को ब्लेम मत करना, बिकॉज मैं ऑफिशियली जो देख रहा हूं तुम लोगों को वही बता रहा। और रही बात एक्चुअल सीजन की, तो स्प्रिंग में आने वाली है, फरवरी तो छोड़ी, तो मार्च और अप्रैल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। इसका रिलीज डेट वो लोग ऑफिशियली बताएंगे एक अलग न्यू ट्रेलर के साथ, जब वो लोग लाएंगे मैं तुम लोग को अपडेट दे दूंगा। बाकी तुम लोगों को मुझे ये गुड न्यूज देना था आज की वीडियो में, बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो यार मेक श्योर तो सब्सक्राइब कर रहे हो यार, पैसे नहीं लगते और एक अंगूठा लगा ही दो आज। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।